नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पास हुए एक साल पूरा हो गया और 17 सितंबर 2020 को किसानों के हितों के मद्देनजर नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन केंद्रीय कृषि कानून पास किए थे, लेकिन इसका विरोध अभी भी जारी है। और इस बीच तीनों कृषि कानूनों को पास हुए एक साल पूरे होने पर शिरोमणि अकाली दल ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया और विरोध की कड़ी में शिरोमणि अकाली दल की अगुवाई में संसद तक एक मार्च भी निकाला गया। और मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की थी, जिससे जगह जगह रास्ते बंद रहे और नई दिल्ली में तो धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। और ऐसे में लोगों को जगह जगह जाम का सामना करना पड़ा। और वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस ने 11 अकाली कार्यकर्ताओं पर मामला भी दर्ज किया है। और वहीं शुक्रवार को अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद भवन तक मार्च निकाला और इस मार्च में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हुए। और वहीं बताया जा रहा है कि मार्च में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने भी शिरकत की। और यहां पर बता दें कि 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में तीनों कृषि कानून पास हुए थे और देर शाम हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा दिया था। और वहीं पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी आप भी आज कृषि कानूनों के एक साल पूरे होने पर काला दिवस मना रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य भर में कैंडल मार्च भी निकालेगी। और मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों का आज एक साल पूरा हो गया। और इसी मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी हुंकार भरी और टिकैत ने कहा कि अपनी मांगों के लिए 10 साल तक वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तोहफा और भीख नहीं चाहिए, बस अपना हक चाहिए। पीएम को कम से कम उन किसानों को याद कर लेना चाहिए जो शहीद हो गए। मैं आपको बता दें, आज पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन दिवस है और इसी मौके पर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है और कई अकाली दल ने काला दिवस के रूप में मनाया। और वहीं आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को पास किए हुए आज पूरा एक साल हो गया और वहीं 17 सितंबर 2020 को किसानों के हितों के मद्देनज़र नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन नए केंद्रीय कृषि कानून पास किए थे, लेकिन इसका विरोध अभी भी जारी है। और इस बीच तीनों कृषि कानूनों को पास हुए करीब पूरे एक साल हो गए और वहीं एक साल पूरे होने पर शिरोमणि अकाली दल ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया है। और वहीं विरोध की कड़ी में शिरोमणि अकाली दल की अगुवाई में संसद तक एक मार्च भी निकाला गया और मार्च के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की थी, जिससे जगह जगह रास्ते बंद रहे और नई दिल्ली में तो धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। और वहीं ऐसे में लोगों को जगह जगह जाम का भी सामना करना पड़ रहा है। और वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस ने 11 अकाली कार्यकर्ताओं पर मामला भी दर्ज किया है। और वहीं शुक्रवार को अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद भवन तक मार्च निकाला और इस मार्च में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हुए। और वहीं बताया जा रहा है कि मार्च में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने भी शिरकत की है। और वहां यहां पर आपको ये भी बता दें कि 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में तीनों कृषि कानून पास हुए थे और देर शाम हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा दे दिया था। और वहीं पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी भी आज कृषि कानूनों के एक साल पूरा होने पर काला दिवस मनाएगी। और वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य भर में कैंडल मार्च भी निकालेगी। मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को आज एक साल पूरा हो चुका है और वहीं इसी मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया। और वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि अपनी मांगों के लिए वो चाहें 10 साल तक धरना दे सकते हैं जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती और यह किसानों का आंदोलन
तब तक जारी रहेगा। और ये किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है। और वहीं आपको बता दें, राकेश टिकैत ने आगे कहा कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने कहा कि तोहफा और भीख नहीं चाहिए, बस अपना हक चाहिए। और पीएम को कम से कम उन किसानों को याद कर लेना चाहिए जो शहीद हो गए थे। और वहीं कृषि कानून को पास हुए करीब 1 साल हो चुके हैं। और वहीं आपको बता दें सिर्फ और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आतंकियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आतंकियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। और यही आपको बता दें, जम्मू कश्मीर कुलगाम में ये आतंकी हमला हुआ है, जहां पर पुलिस पर आतंकियों ने फायरिंग की। और आतंकी हमले में कांस्टेबल बंटू शर्मा शहीद हो गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और इससे पहले भी एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ था और फिर एक और पुलिसकर्मी शहीद हो गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर में कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में कांस्टेबल बंटू शर्मा शहीद हो गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आतंकियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां पर आतंकियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और इस फायरिंग से एक कांस्टेबल बंटू शर्मा मौके पर ही शहीद हो गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लगातार आतंकियों का हमला जारी है और इससे पहले भी एक आतंकी ने पुलिस पर हमला किया था जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आतंकियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है और इस फायरिंग के चलते एक कांस्टेबल बंटू शर्मा शहीद हो गए। और इसके अलावा आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने भी 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद अब ये आतंकी हमला सामने आ रहा है, जहां पर आतंकियों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में और आतंकी हमले में एक कांस्टेबल बंटू शर्मा ने अपनी जान गंवा दिया। और वहीं आपको बता दें, आतंकी हमले में कांस्टेबल बंटू शर्मा शहीद हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और इस फायरिंग में करीब एक कांस्टेबल शर्मा शहीद बताए जा रहे हैं। वहीं कानूनों को वापस लेने के लिए 1 साल से किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं आपको बता दें, 17 सितंबर 2020 को किसानों के हितों के मद्देनजर मोदी सरकार ने 3 केंद्रीय कृषि कानून पास किए थे, लेकिन इसका विरोध अभी भी जारी है। और इस बीच तीनों कृषि कानूनों को पास हुए करीब 1 साल पूरे होने पर शिरोमणि अकाली दल ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया, जहां पर एक तरफ पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल आज का दिन काला दिवस के रूप में मना रहा था। और वहीं आपको बता दें, विरोध की कड़ी में शिरोमणि अकाली दल की अगुवाई में संसद तक एक मार्च भी निकाला गया और मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की थी, जिससे जगह जगह रास्ते बंद रहे। और वहीं आपको बता दें, नई दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई थी। जगह जगह जाम का सामना करना पड़ा था। अब वहीं इसी खबर पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अवधेश उपाध्याय, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। और वहीं आपको बता दें, राजेंद्र यादव, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हमारे चैनल के साथ जुड़ गए हैं। और इसी खबर पर बीजेपी की तरफ से अवधेश उपाध्याय और किसान की तरफ से राजेंद्र यादव जुड़ गए हैं। आप दोनों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं अवधेश उपाध्याय से लेना चाहूंगा कि आज पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन है और विपक्ष
सीएम को बधाई तो दे रहा है, लेकिन कृषि कानूनों को विपक्ष पीएम को घेर रहे हैं और इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा जी, और उनके जन्मदिन के लिए चार लाइन आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को सुनाना चाहूंगा जी, कि मोदी मोदी गुंजार रहा है सत्य सनातन सार रहा, अब सकल विश्व ब्रह्मांड पूर्ण मोदी का नाम पुकार रहा। तो इसलिए ये जो आप बता रहे हैं, ये जो इनकी बात कर रहे थे, जो विरोध कर रहे हैं जी, इनका विरोध नहीं है, ये केवल जो काला दिवस के रूप में विरोध कर रहे हैं ये विरोध नहीं है, बल्कि ये जो विपक्षी दल है हमारे देश में, जो महागठबंधन गैंग का नाम दिया गया जिसको, उनके द्वारा भ्रम फैलाकर देश के अन्नदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, और किसानों की मेहनत की कमाई, जो मेहनत करके कमाते हैं उसको हड़पने वाले जो चोरे हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। और करने वाले कौन है ये आपको भी पता है जी, हमें तो पता है, क्योंकि जो यहाँ पे जो हमें जो खबरें मिल रही है वहाँ पर सिर्फ किसानी का ही हमें आंदोलन देखने को मिल रहा है। वहीं इसी मैं आपको रोकना चाहूंगा यहीं पे, राजेंद्र यादव जो बीजेपी प्रवक्ता ने जो जवाब दिया है, मैं आपकी उस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। प्रतिक्रिया इसमें कैसी बात है, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है भाई, सारे सारे संसार में मोदी जी का नारा गूंज रहा है। बिल्कुल हाँ, नारा गूंज रहा है कि मोदी जी कहाँ ले जाके छोड़ोगे देश को, कहाँ देश के अन्नदाताओं को ले जाके छोड़ोगे, तो बिल्कुल बात तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन बात थोड़ा सा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से है तो बेचारे खुले मन से विरोध भी नहीं कर सकते जी। लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि हाँ त्राही त्राही के नारे, मोदी जी ने त्राही त्राही कर दिया है, ऐसे नारे आप रोजाना सुनते होगे, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है जी। और लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि बात ये है राजेंद्र जी, यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा है और वहीं पीएम का आज बर्थडे, और वहीं शिरोमणि अकाली दल ने, अब मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि किसान तो ये काले दिवस नहीं मना रहे, लेकिन जो शिरोमणि अकाली दल है वो काले दिवस के रूप में क्यों मना रहे? देखिए श्रोमणी अकाली दल अगर मना रहे हैं तो वो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, और कहीं ना कहीं वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल हताश हैं। बिल्कुल, तो जो आदमी हताश होता है तो वो कहीं ना कहीं विरोध तो करता ही है अपना, उनको विरोध करने का अधिकार है तो विरोध कर रहे हैं वो अपना, किसान अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। पिछले 9 महीने से लगभग दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन ये अपनी जय जयकार कराने में लग रहे हैं, वो भी झूठी, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो तो आपका अपनी अपना अधिकार है भाई, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं सब लोग। भारतीय जनता पार्टी का जो के जो सदस्य हैं उनका अधिकार है जी, मोदी जी गलत करें सही करें, हमें तो ताली बजानी है तो भैया बजाओ ताली, उसमें कौन सी बात है। राजेंद्र जी यहाँ पे एक सवाल और पूछूंगा आपसे, यहाँ पर खबर ये भी मिली है कि पीएम मोदी का आज जन्मदिन है और उसी बीच आज पीएम मोदी का पुतला भी जलाया गया, तो क्या किसान जो है वो बातचीत से समस्या का हल होगा, या फिर सरकारी संपत्तियां जलाकर समस्या का समाधान होगा, या फिर पिछले साल की तरह भयावह तस्वीरें जो सामने आई थी, क्या इस बार भी सिर्फ वही तस्वीरें सामने आएंगी या फिर बातचीत के जरिए समस्या का समाधान होगा? कोई भी समस्या होती है, समस्या का जो समाधान होता है वो बातों से निकलता है जी, बिना बात करे हुए तो कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकलता, और यहाँ समस्या की कोई बात नहीं है, यहाँ बात अधिकारों की है। किसान जो बरादरी है वो बिल्कुल पूंजीपतियों के हाथ में जाने के लिए तैयार 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 बैठी है, सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जो आप 26 जनवरी का आपने बातों में इशारा किया कि भयानक तस्वीर, भयानक तस्वीर कहाँ भयानक तस्वीर थी, कहीं भयानक तस्वीर नहीं दिखाई थी, जो लाल किले की जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी तो एक तरह से भयावह स्थिति थी, के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि जो जिस तरीके से इन्होंने रूट दिया उस रूट से अलग किसान अगर अंदर चले गए हैं तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का ही एक रूप देखने को आया था, क्योंकि जो उस उत्पात में जो लोग आए थे, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भी कहा गया था कि उनको जो भी सजा देनी है दो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और वो बाद में कुछ आपने देखा होगा कि कुछ तस्वीरें जो थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय गृह मंत्री जी के साथ, और पार्टी के ही सांसद जी हैं उनके साथ देखने को आई थी, तो पूरे देश में देखा था। राजेंद्र जी यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, इसी बात पर मैं अवधेश उपाध्याय का प्रतिक्रिया लेने चाहूंगा। जी 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 बिल्कुल, मैं आपका नाम भूल गया, इश्तियाक अहमद जी, इश्तियाक अहमद, इश्तियाक अहमद
अच्छा स्टैक अहमद जी, अभी जैसे यादव जी ने बताया जी कि जो फसल जो कुक रखते हुआ उसकी अभी बात बताए थे कि लोगों के फोटो थे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के साथ, तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उस समय जो जो लोग उस केस में लिप्त पाए गए, जो उस घटना में लिप्त थे, उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर ये क्यों रो रहे थे बाहर आकर के रिहा करो ने रिहा करो ने रिहा करो, क्या कारण था उनके पीछे? जब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे तो आप रिहाई की मांग कर रहे थे उनकी, रिहाई करो रिहाई करो रिहाई करो। रिहाई तो उनकी की जा रही थी जिन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था। तरीके नहीं, देखिए जो जो उसमें जो फुटेज में जो जो लोग आए थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके लिए भी ये रोना शुरू कर दिया था इन्होंने, रिहा करो। लेकिन उपाध्याय जी, जो किसानों की जो मांग थी वो ये थी कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे उस दौरान जिन किसानों को हिरासत में लिया गया था उनकी रिहाई की मांग की थी, ना कि जो लाल किले की हिंसा में जो लिप्त थे उनकी हिरासत की मांग की गई थी। बल्कि भाई साहब भी बैठे हैं कि हमारे देश में किसान और जवान जी दोनों ही रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की, और दोनों ही मोदी सरकार में एकदम से सशक्त हुए हैं, मजबूत हुए हैं। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ उत्तर प्रदेश का जी। उत्तर प्रदेश में जब किसान ये बिल आया था, जब ये विरोध कर रहे थे, मैं भी गया वहां पर, कई गांव में गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संबल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, वहां के लोगों ने साफ साफ कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तभी से हमें सुकून है, नहीं तो हमें तो बैल रखाने के लिए जागना पड़ता था रात रात भर। हमारे गन्ने का बिल अगले साल एक साल दो साल बाद आता था, गन्ने का भुगतान। आज मोदी सरकार है तो कम से कम हमें 6,000 तो मिल रहे हैं, कम से कम हमारे जो गन्ने का भुगतान है वो समय से तो हो रहा है, कम से कम हमारे जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वो कम से कम सही उसमें तो है, सही तरह से तो रह रहे हैं, हम आराम से पैर फैला कर सोते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस समय। अवधेश जी, यहाँ पर मैं राजेंद्र यादव का प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा जो आपने कहा है। जानना पड़ता था किसानों को जी, मैं राजेंद्र यादव से इसी बात पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। देखिए प्रतिक्रिया क्या है कि 6,000 रुपए कोई किसान ने तो मांगे नहीं थे जी, लेकिन ये अवधेश उपाध्याय कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को गन्ने का जो भुगतान है वो समय से किया जा रहा है जो कि पहले नहीं किया जाता था। वो रोजगार मांग रहा है, जो नौकरी मांग रहा है, किसान जो है अपनी फसल का उचित मूल्य मांग रहा है जी। आप वो दोनों दे दो मत तो अपने 6,000 रुपए वापिस ले लो, किसी ने मांगा थोड़ी है। और दूसरी बात है कि आप बरेली गए, बदायूं गए जी, तो वहां की आप व्यक्तिगत चीजों को आप गलत तरीके से पेश कर रहे हो कि भाई चोरी चोरी हो रही थी तो क्या क्या जाके मोदी जी चौकीदार बन गए जी, क्या चौकीदारी कर रहे हैं वहां पर जाकर? ये तो सिर्फ बरगलाने वाली बात है, कहां की बात तो कहां से करना। शांति मिली है पार्टी वालों से, बड़ी बात ही जानते हैं उनको, बिल्कुल प्रशिक्षित किया जाता है कि आपको ये बात जाके बोलनी है, महंगाई पे कभी बात नहीं करेंगे। राजेंद्र यादव, मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि राकेश टिकैत ने कहा है कि हम 10 साल तक धरना दे सकते हैं, तो इस 10 साल का जो धरना है उसकी फंडिंग कहाँ से होने वाली है? क्योंकि 10 साल किसी के लिए धरना देना कोई आम बात नहीं है। मैं इनको और अपनी बातें बड़ी करवानी है, अब तो डर ये लगने लगा कि ये कोई गलत बात कहने लगे, उसे हम लोग भी कह देते हैं आप ये सही कह रहे हैं बिल्कुल, पता चला कि उसमें कई 1,000 करोड़ रुपए का कितने विज्ञापन दे देंगे उस बात को सिद्ध कराने के लिए, और देश वैसे ही गड्ढे में जा रहा है, आप गलत बात को सही सिद्ध कराने के लिए इतने बड़े बड़े विज्ञापन क्यों दे रहे हो भैया? तो इसलिए अब कोई विरोध इसलिए नहीं करता इनका कि भैया जो जो कह रहे हैं कर लेने दो, कम से कम देश का पैसा तो बच जाएगा। नहीं राजेंद्र यादव, मैं यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा हूँ, जब राकेश टिकैत का बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा कि अगर कृषि कानून अगर 10 साल तक भी वापस नहीं लिए जाते तो किसान जो है वो 10 साल तक धरना देगा, लेकिन जो धरना दिया जाएगा उसकी जो फंडिंग है, क्योंकि 10 साल तक धरना देना किसी भी लिहाज से कोई आम बात नहीं है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए मैं आपको बता दूं कि आपने दो सवाल एक साथ पूछ लिए जी, एक तो 10 साल तक की बात आई कि 10 साल तक आंदोलन कैसे चलेगा जी, दूसरी बात आपने एक जो गलत शब्द है वो गलत शब्द आपने प्रयोग किया है कि फंडिंग की हमें जरूरत क्या है ये बताइए। हम कोई यहाँ बैठे हुए कोई हम 5-स्टार होटलों में नहीं जा रहे जी, कोई कुछ नहीं कर रहे, भैया किसान के घर जो है अन्न पैदा होता है, अन्न लाके लोग बाग यहाँ डाल रहे हैं, वो अन्न हम खा रहे हैं,
वही देश को खिलाते हैं, वही हम खा रहे हैं, तो अन्य तो हमारे यहाँ पैदा हुई है, तो उसमें उसमें 10 साल बैठने के लिए क्या 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 क्या, क्या दिक्कत है हमें? अपने घर बैठ के काम करते हैं, बीच बीच में काम करने के लिए चले जाते हैं, उसमें लोग बाग अल्टा पल्टी कर लेते हैं, भैया आप काम कर आओ, हम यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आप अब आप काम करिए, अब हम बैठे हुए हैं, तो हम तो खेती भी कर रहे हैं और अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हम तो दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। अवधेश उपाध्याय जी, आपने सुना कि राजेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? इसके बाद एक सवाल आपसे लूंगा लिया जी। हेलो जी जी, इन्होंने कहा, यादव जी ने हमारे कहा कि फंडिंग का नाम गलत लिया जी, 5-5 रुपए। यादव जी, 2 लाइनें मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि ये कैसा आंदोलन जिसमें काजू किसमें चलती हो और दारू की खुल रही बोतलें पीकर लोग मचलते हो, जो बिल्कुल दूंगा दारू को की जा रही है, चल रही है काजू किसमें और आपके प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि मैं तो देश का वाला चाहता हूं कि देश का किसान भी क्या एक एक कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देगा, ना आप दोनों को एक दूसरे की आवाज सुनाई देगी, इसलिए एक एक करके जवाब दीजिएगा। तो आपको आपको कैसे बहुत अच्छे लगते हैं किसान की काजू किसमें आपको दिखाई दे रही है? किसान आपको भैया देखिए, जिस किसान के पास 6 बीघे जमीन है, 8 बीघे जमीन है, वो इनको देने नहीं आएगा कि लो मेरा अनाज ले लो तुम, उसे 6,000 रुपए काफी है, मोदी सरकार से मिल रहे हैं उनको, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं वो दलाल हैं, वो बिचौलिए हैं, जो केवल अभी दुकान चलाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी दुकानें हो गई बंद। तो उपाध्याय जी यहाँ पर एक सवाल लूंगा मैं, आप कह रहे हैं कि कोई फंडिंग देने नहीं आएगा या कोई अनाज देने नहीं आएगा, लेकिन जो एक किसानों की मांग है कि क्योंकि कानून भी बीजेपी लाई है, तो लोग हमेशा यही कह रहे हैं कि हम कानून वापसी की बात सामने रख रहे हैं, और वहीं राकेश टिकैत का ये भी बयान सामने आया था कि इसमें जो कानून है वो मोदी सरकार ही वापस करेगी और हम मोदी सरकार से ही मांग करेंगे, ना कि सोनिया या फिर राहुल गांधी से मांग करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार कानून लाई है तो वापसी की भी हम मांग मोदी सरकार से ही करेंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं नहीं, मेरा आधार बहुत अच्छी बात तुमने बताई भाई आपने, मैं इस बात का जवाब दूं आपको कि जो राकेश टिकैत जी हैं जी, अगर आप राकेश टिकैत जी की बात करें जी, तो 10 साल का वो 100 साल भी बैठ जाएंगे वहां पर, उन्हें केवल खाना पीना मिलता रहे, ठीक है, 6-7 बीघे जमीन से उन पर 1,00,000 रुपए की संपत्ति है आज की तारीख में, वो ऐसे ही नहीं हो रही है, वो इसी तरह से जो अपने जो आंदोलन कर करके उन पर जमी हुई है, और ये जो है मैं बता रहा हूँ, जैसे यादव जी भी कह रहे थे अभी, यदि आपको विरोध है किसान किसी बिल का, किसान कानून का, तो मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, हमारे देश में कम से कम 750 किसान संगठन है, ठीक है जी, उसमें से कितने संगठन समर्थन कर रहे हैं इस समय, पूछिए इनसे। राजेंद्र जी जवाब दीजिएगा, अवधेश उपाध्याय जी का, ये मैं वही मैं बात कर रहा हूँ कि मैं क्या इनको बात का जवाब दूं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता है कि ये क्या बात कह रहे हैं। कभी तो ये आप ये कहते हो कि जी आप जगह जगह जो है पंचायतें क्यों कर रहे हो, और पंचायत हो रही तो भैया आप देख रहे हो कि देश का किसान जुड़ रहा है, कभी कभी आप कहते हो जी मुट्ठी भर किसान रह गए, और जब कभी हम दूसरे आप देख सकते हो कि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से प्रतिदिन जी हर राज्य में सभाएं हो रही हैं जी, और हर राज्य में संयुक्त किसान मोर्चे की इकाई का गठन हो रहा है, ये आप देख रहे हो रोजाना की बात है, तो ये तो एक निराधार इनकी बात है, और इनके पास किसी बात का जवाब नहीं, तो क्या बोलते हैं उसको, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, तो कभी ये अपनी एक जगह रुकने के लिए तैयार नहीं है, ये बिल्कुल इन्हें पता ही नहीं है कि देश पूरे देश में आंदोलन है या एक राज्य में, इनको खुद नहीं पता है इनको, ये तो नहीं याद है जी, क्यों भड़काने काम कर रहे हो आप, कहाँ है आंदोलन बताओ, लखनऊ में जाइए, लखनऊ में क्यों नहीं करते आप आंदोलन? नहीं हुआ लखनऊ में, तब संयुक्त किसान मोर्चे की लगातार कई मीटिंग हो गई है, और आपके 21 तारीख में मैं बता दूं बिल्कुल सीतापुर में मीटिंग है, और बताओ मैं आप और बता देता हूँ, गोंडा में आज हुई है, बलरामपुर में आज हुई है, 750 किसान संगठन है उसमें से केवल गिने चुने संगठन ही इसमें लगे हुए हैं जो केवल राजनीति करते हैं, बता रहा हूँ ये जानकारी का अभाव, जानकारी पूरी कीजिएगा, आपको शायद पता नहीं है कि पूरे पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे की जिले स्तर की क्या कहते हैं और ब्लॉक स्तर तक की इकाइयां बन चुकी हैं, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अरे भाई साहब इकाइयां बन गई, अच्छी बात है, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा है किसानों के साथ, मैं भी किसान परिवार से हूँ यादव जी, मैं भी किसान ही करता हूँ, मेरे पास भी जमीन है संबल उत्तर प्रदेश में, मैं भी इसी जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे सब पता है। नहीं हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी किसान है, आपने बड़ी देर से कहा, मैं तो बहुत पहले से कहता हूँ,
लेकिन बेचारे क्या करें, किन्हीं बातों से व्यवस्था से बंधे हुए हैं। बस बेचारे ये है कि पार्टी का विरोध नहीं कर सकते, अंदर खाने कहते हैं जी बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये तो आपने कह दिया। अवधेश उपाध्याय जी और राजेंद्र यादव, यहाँ पर समय की कमी है, इसी चक्कर में हम आपसे सिर्फ दोनों से एक एक प्रतिक्रिया लेंगे, सिर्फ एक सेकंड, एक मिनट के लिए दोनों एक एक करके अपनी एक एक मिनट की प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए मैं बताऊं आपको इश्तियाक भाई, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार देश के अन्नदाताओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और केंद्र सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है जिससे कि देश के अन्नदाताओं की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो सके जी। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपने देखा कितनी बार वार्ता हुई, लेकिन इनका तो एक ही रट्टा था, पहले शुरुआत हुई एमएसपी से, फिर हुई एपीएमसी से, फिर हुई तीसरी इनकी मांग शुरू हो गई उसमें जो जमीन हड़पने वाली बात थी, इनकी मांगे बढ़ती चली गई। ठीक है, जब सरकार ने कहा हम मानने तैयार हैं तो बोले नहीं जी वापस लो जी वापस, वापस लो जी वापस, ऐसे वापस नहीं होते कानून। ठीक है, राजेंद्र यादव जी आप अपनी आखिरी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए मैं तो आखिरी प्रतिक्रिया क्या, आखिरी तो कुछ होता ही नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि किसान जो है बड़ा उम्मीद रख के बैठा हुआ है, देश की सरकार की तरफ देख रहा है, क्योंकि आशावादी होता है किसान, खेत में बीज डालता है अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा है, तो हम लोग भी बैठे हुए हैं कि भाई कभी ना कभी इनको सद्बुद्धि आएगी, लेकिन बाद में अगर सद्बुद्धि नहीं आएगी तो अपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बाकी तो ये बहुत समझदार हैं क्योंकि देश चला रहे हैं, देश को ऐसे तो चलाते नहीं, कहीं ना कहीं अच्छी समझदारी के साथ देश चलता है, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनको जल्दी सद्बुद्धि दे और जनता के बीच में आने लायक छोड़े, क्योंकि अभी पीछे आप ही दिखाते हैं कि जगह जगह के फोटो दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ किसानों ने ऐसा किया, किसानों ने वैसा किया, क्योंकि हम बीच बीच में अपील भी करते हैं भैया शांति व्यवस्था बनाए रखो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब इनको सद्बुद्धि नहीं आएगी तो बेचारा किसान कहीं ना कहीं तो बदला लेगा इनसे जी। अवधेश उपाध्याय जी और राजेंद्र यादव, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आर्या न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और वही समय की कमी के चलते यहाँ अभी तक के लिए इतना ही, और वहीं अभी तक के लिए इतना ही, ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।